दुआ का असर बड़ा होता है। नरसिंहपुर जिला गाडरपारा तहसील के अंतर्गत निरीक्षण किया गया जिला कलेक्टर श्री रोहित सिंह द्वारा। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह का ऑन द स्पॉट समस्याओं के निराकरण करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे आम जनता की उम्मीदों को बल मिला। आज साली चौका नगर परिषद के आला अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा गया कि मेरे नरसिंहपुर पहुंचने के पहले हितग्राहियों के खाते में पैसा डल जाना चाहिए। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कबाड़ बन रही विधायक निधि से प्रदान की गई एम्बुलेंस को आज से ही चालू करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए गए हैं। शासकीय बालक हाई स्कूल में नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह ने स्कूल में पसरी गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर स्कूल प्रभारी एमएल साहू को जमकर फटकार लगाते हुए वेतन काटने की कार्रवाई करते हुए स्कूल की व्यवस्थाओं को ऑन द स्पॉट सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत अर्जुन गांव में ग्रामीणों के बीच बैठकर नरसिंहपुर कलेक्टर ने चौपाल लगाई। चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में समझाया और ग्रामीणों से अपील की कि वे मास्क का उपयोग अवश्य करें। एक हितग्राही की उसी समय पटवारी से वही बनवाने के निर्देश दिए गए। आज कलेक्टर नरसिंहपुर के साथ जिला पंचायत सीईओ एसडीएम शशि देशमुख सहित जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आज तहसील की सड़कों पर प्रशासनिक गाड़ियों के सायरन से तहसील के सभी विभाग अलर्ट दिखे। वहीं गाडरवारा तहसील कार्यालय में फैली गंदगी को देखकर नगरपालिका गाडरवारा सीएमओ को फटकार लगाई। उसके बाद कलेक्टर रोहित सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए सिविल अस्पताल गाडरवारा की व्यवस्थाएं देखी और मीडिया से चर्चा के दौरान कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। नरसिंहपुर जिले से विनोद चौकसी की खास खबर। साफ सफाई के तो बोला हुआ है। वैक्सीनेशन का आज चौथा महाअभियान है तो इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया साली चौका में। वहाँ भी सारी पूरा ही अमला प्रयास कर रहा है कि द्वितीय डोज लगाया जाए। फिर उसके बाद अर्जुन गांव हमारा भ्रमण हुआ था जहाँ हम लोगों ने पंचायत के लोगों से वार्ता की, वहाँ से संवाद किया वहाँ की जनता से और समीक्षा की। राशन की, आयुष्मान कार्ड की, आधार कार्ड की सारी योजनाओं का जायजा लिया और अभी इसके पहले एस डी एम कार्यालय का भ्रमण हम लोगों ने किया। न्यायालय नायब तहसीलदार के एस डी एम वहाँ इन अधिकारियों से चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि जो राजस्व पखवाड़ा चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करें। सीमांकन करने का ये सबसे अच्छा समय है तो इस दिशा में जिला प्रशासन और हमारे राजस्व की टीम पूरा प्रयास कर रही है कि नियत समय में हम सीमांकन कर दें, बंटवारा कर दें ताकि किसान भाइयों को किसी तरह का सुविधा न हो। आज बीच की भी हमने समीक्षा की, वो भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और महाअभियान जो वैक्सीनेशन का चल रहा है वो हमारा फोकस आज रहा है। तो निरंतर हम लोग आप सबके सहयोग से
मीडिया के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम अपने लक्ष्य प्राप्त करते रहे। हमारा यही प्रयास है कि नरसिंहपुर के सभी पात्र लोग दोनों डोज लें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुए, जो एक नया वेरियंट कोरोना का आया है उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने अपील की है कि सारे ही लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, डबल डोजेस जरूर लें। इसी क्रम में मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ भारत द्वारा की सुधी जनता और नरसिंहपुर के सभी निवासियों, आइए हम सब लोग मिलकर दोनों डोजेस को जरूर लें और स्वयं को, अपने परिवार को और अपने नगर और जिले को सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से ये हमारी संज्ञान में है और इस बात को लेकर के हमारे महोदय ने जी सतर्कता जारी किया है। हम निश्चित रूप से सही व्यवस्था से करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित नहीं हो। आज भी हमने देखा है हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास है, तो जो पूर्व की व्यवस्था थी वो भी यथावत रहेगी और साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है। और अच्छी बात यह है कि जो बड़ा का प्लांट है वहाँ बॉटलिंग की भी व्यवस्था की, तो हमें हम आश्वस्त रहें, हमें किसी तरह की जरूरत नहीं है। और अगर Thank you.